इस वीडियो में देखते हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला। ये क्वेश्चन को हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी किसी ने पूछा है तो उसको बता देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमको नहीं पता था कि इसको ही बताना पड़ जाएगा, फिर से बताया हुआ चीज है। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री और एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका कोई उतना मतलब नहीं निकलता है। सिर्फ यह बात दिया गया है कि x का मान जो है जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, ठीक। चलिए इसको बनाते हैं, तो हम पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। ये x के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे एक बोल सकते हैं कि यह दो रूप में, मतलब कि फ्रैक्शन के रूप में आ जाए, पी बटा क्यू के रूप में आ जाए, जिस तरीके से ये है उसी तरीके से, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक उसका छुपा रहता है। यहाँ पे क्या है, तीन, हालांकि तीन के भी नीचे एक है लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है इसलिए उसको छोड़ देते हैं। एक और एक्स का जो एलसीएम निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक के टेबल में एक्स, एक के टेबल में एक्स, क्या पता कितने बार लाएंगे, लेकिन इससे यह मतलब निकलता है कि एक के टेबल में एक्स एक्स बार में ही आएगा, ठीक है। चलिए अब जब एक्स बार में आएगा तो एक्स को ऊपर से गुणा करेंगे क्योंकि ऊपर भी एक्स है, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक्स के टेबल में एक्स कितने बार में आ जाएगा, एक बार में, क्योंकि एक्स बन जा एक्स, ठीक है। आप इसी एक को ऊपर वाले से गुणा कर देना, तो ऊपर में एक है तो एक कम एक, यहाँ पे बराबर में तीन दिया गया लिख दिया। अब हम ये भी जान रहे हैं कि तीन के नीचे क्या है, एक छिपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स को थ्री से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ बनेगा थ्री एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, टोटल उठा के वन से गुणा करेंगे तो हम जानते हैं कि वन से गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है, ठीक है। अब चलिए तीन एक्स जो प्लस में हो बराबर को उस तरफ ले जाएंगे माइनस में, तो इधर बचेगा जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स और माइनस का वन इधर ऑलरेडी था तो उसको लिख दिए सजा करके, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, हमको डी निकालना है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डी निकालना है तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डी बराबर, अच्छा ए बी सी इधर लिख देते हैं अच्छा तरीके से। ए बराबर क्या है, वन है एक्स के एक्स स्क्वायर के पास, बी बराबर क्या है माइनस थ्री है और सी बराबर क्या है माइनस का वन है, ठीक है। चलिए इधर इधर पुट करते हैं इसका वैल्यू, बी का स्क्वायर यानी माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की जगह वन और सी की जगह माइनस वन, ठीक है, ठीक। चलिए तीन का माइनस का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर नौ, माइनस और माइनस मिलकर प्लस, चार एकदम चार फिर चार एकदम चार, ठीक है। यहाँ दो माइनस है इसीलिए गुना में था तो डायरेक्ट हम गुना कर दिए, ठीक है, और नौ चार मिलकर के बनेगा तेरह, डी बराबर तेरह। हमको एक्स का मान निकालना है तो एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा टू ए, एक्स बराबर माइनस बी, बी का मान ऑलरेडी माइनस में है तो पहले से हम ब्रैकेट ले लेंगे और तब इसके मान को लिख देंगे, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू है तेरह इसलिए इसको तेरह लिख दिए बट्टा टू इंटू ए, ए का वैल्यू कितना है वन। चलिए अब माइनस माइनस मिलकर के प्लस, तो थ्री प्लस में लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट तेरह किसी का भी नहीं होता है ना ही इसका कोई फैक्टर निकलता है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे दो एकदम दो। अब देखते हैं इधर क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में लिख देंगे वही हो जाएगा हमारा आंसर, तो तीन प्लस रूट अंडर तेरह बटा दो और एक बार तीन माइनस रूट अंडर तेरह बटा दो, ठीक है, और ये दोनों ही हमारा क्या हो जाता है आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अच्छा तरीके समझ में आया होगा। थैंक यू।